ऐसा भी कोई नूडल्स हो सकता है जिसमें मैदा ना हो, जो डीप फ्राइड ना हो, एंड यू नो जिसे आप रोज ले सको और आपके बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा सीरियसली हो सकता है, बट हाँ, स्लो फार्म हैज़ कम अप विथ टू वेरियंट ऑफ नूडल्स। वन इज़ दिस मिलेट नूडल्स विच इज़ मेड अप ऑफ लिटिल मिलेट, और एक है ये फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स। प्लीज़ इसके पैकेजिंग को देख के घबराइए मत, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग दिस प्रोडक्ट। तो इसे यू नो इसे क्लिप करके सील्ड करके रखा हुआ है हमने। तो ये फॉक्सटेल का येलो वाला पैकेट है एंड दिस इज लिटिल मिलेट विच इज़ ए ग्रीन कलर। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई आई चोज दिस प्रोडक्ट। लाइक एज अ मॉम, यू नो आपकी तरह मेरी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे के पेट में एक टेस्टी खाना जाए, बट हेल्दी खाना जाए। अब टेस्टी के नाम पे मैदा, फ्राइड आइटम्स ऐसा ही सिर्फ नहीं जाए। और मेरी बच्ची के टेंट्रम्स, यू नो उसे शाम को जब वो अपनी नींद से उठती है तो उसको हर वक्त कुछ खाना चाहिए जो जंक फूड हो। अब जंक फूड हेल्दी कैसे हो सकता है? तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये स्लो फार्म का नूडल्स मिला, एंड यू नो मैं इतनी ज़्यादा अमेज हुई कि तूरिया को जो जो वेजिटेबल्स पसंद है उसको मैं जब इस नूडल के साथ मिला के दे देती हूँ, ये पूरा वो फिनिश कर लेती है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि तूरिया कैसे इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करती है, उसके फेवरेट वेजिटेबल्स एंड नूडल्स। नूडल्स तो हर बच्चे के फेवरेट होते हैं, जब मैं उसे प्रिपेयर करके देती हूँ वो पूरा प्लेट यूँ ही चट कर जाती है। जी हाँ, स्लव फार्म एक ऐसा ब्रांड है जिससे दो मॉम ने बनाया है, और जब मॉम कुछ बनाती हैं वो गलत कभी नहीं हो सकता। दे हैव मेड श्योर कि ये ज़ीरो जंक हो। दिस इज़ बेक्ड एंड सन ड्राइड, सो आप सोच भी सकते, इवन द इसके साथ जो यो मिक्स आता है ना, स्पाइस मिक्स, वो भी उसमें भी कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स नहीं है, एंड विच इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक फॉस्फरस एंड सिलेनियम। तो इतना कुछ अगर एक नूडल्स में आ रहा है तो कौन से मॉम अपने बच्चों को नूडल्स देने से मना करेगी? तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि तूरिया इस प्रोसेस को कैसे इंजॉय करती है और कैसे मैं अपना नूडल्स बनाती हूँ तूरिया के लिए। सो दिस आर द टू वेरिएंट ऑफ स्लव फार्म मिलेट नूडल्स, वन इज लिटिल मिलेट एंड वन इज फॉक्सटेल मिलेट। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ये फॉक्सटेल मिलेट कैसे बनाने वाली हूँ। तो नॉर्मली द बोथ यू नो नूडल्स के प्रोसेस सेम ही होते हैं, बट आई विल शो यू हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स टुडे। और रेसिपी के लिए आप पीछे देख सकते हैं, वहां डिटेल्स में लिखा हुआ है। मैं कभी कभी इसमें यू नो वेन आई वॉन्ट टू एड नॉन वेज, मैं कभी फ्राइड चिकन दे देती हूँ, फ्राइड एग दे देती हूँ, एंड वेन इट्स अ वेज डे आई प्रिफर आइदर वेजिटेबल्स एंड और मैं पनीर फ्राई करके तूरिया को इसके साथ खिलाती हूँ। तो चलिए नूडल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक बॉइलिंग वाटर में जितना आपको नूडल्स चाहिए उतना लेके यू नो आपको हार्डली 3 से 4 मिनट बॉयल करना है, एंड देन स्ट्रेन इट एंड वॉश इट विद कोल्ड वाटर। सो तूरिया नींद से उठ चुकी है, और जैसे मैंने उसे बनाया कि आज मैं उसे नूडल्स देने वाली हूँ, शी वॉज वेरी हैप्पी क्यू, एंड वो ये सारा प्रोसेस को बहुत इंजॉय भी करती है कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग हर नूडल्स और फूड। सो विल टेक अ पैन एंड विल एड आइदर बटर और ऑयल। मैं ऑयल ही देना प्रेफर करती हूँ नूडल्स के साथ। सो आप 1 से 1.5 स्पून ऑयल यू नीड, एंड देन वेन इट इज हॉट यू फर्स्ट ट्राई टू एड द स्पाइस मिक्स विच दे आर गिविंग, एंड विच इज अगेन यू नो नॉट artificial flavors and anything added in that. Then whatever vegetables or things you want to add, you add that. So मैंने यहाँ तुरिया के favorite vegetables और कुछ वो नहीं खाती है वो भी add कर दिया है कि noodles के बहाने वो भी खा ले। आप उसको थोड़ा सा stir fry करें, and जो आपका noodles है जिसको आपने you know boil करके रखा है उसको इसमें toss करें। If you want, you can add added ketchup, soya, बच्चे के हिसाब से। So I avoid giving this to Turiya. So इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा black paper डाल के, and this will be ready to serve. So here our noodles is ready, and noodles मुझे भी personally इतने पसंद है कि कभी कभी मैं तूरिया के plate से 2-3 चम्मच मार लेती हूँ। So now तूरिया को जब भी आप खाना दो वो अपने table chair में बैठ जाती है to eat। पहले वो observe करती है उसके खाने में क्या क्या दिया गया, एंड देन शी फाइनली cherish एंड ईट everything ऑन हर प्लेट। तो अभी आपने वीडियो में देखा है कि तूरिया इस प्रोसेस को कितना एंजॉय करती है और वो नूडल्स कितने यू नो चेरिश करके खाती है। स्लव फार्म के साइट में जाके आपको और भी काफ़ी सारे उनके वैरायटी मिलेंगे,
with these two noodles. You can definitely give a try. Other than Slurp Farm site, you can definitely go to other e-commerce site like Flipkart, Amazon, First Cry, and अपने बच्चे के लिए ये product खरीद सकते हैं. क्योंकि अगर junk इतना tasty और healthy हो तो क्यों ना हम mom रोज अपने बच्चे को junk food ही खिलाएं. So I hope you like this video and thank you so much for watching.